अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज मंगलवार है, जुलाई 2024 की आज 16 तारीख है, मुताबिक 9 मुहर्रम अल हराम 1446 हिजरी। साकी हाउज कौसर रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके रफका उनके अहले बैत पर पानी बंद किए हुए आज तीसरा दिन था, जब वो मैदान कारजार में थे, जब वो मैदान करबला में नबरुद आजमा थे उस दुश्मन को जो बज़ाहिर उन्हीं में से था लेकिन दिख नहीं रहा था। जहाँ पर मुसलमान होना और बाईमान होना इसकी बिल्कुल एक वाज़ह मिसालें थीं, जहाँ पर एक तरफ तिश्नगी थी और एक तरफ पहरा था, जहाँ पर ज़ुल्म व सितम की इंतहा थी और आज भी जब 1400 साल गुजरने के बाद भी वाकई करबला को याद किया जाता है, तो हमें मिसालें मिलती हैं शुजात, जुरात, आज़म व इस्तक़लाल की एक तरफ, सब्र और शुक्र की एक तरफ, उस सजदे की जिस सजदे को अदा करने के लिए जो वुजू था वो खून से किया गया, लेकिन शुक्र तब भी ज़ुबान पर था, और एक तरफ से हम देख रहे हैं कि ज़ुल्म व सितम की इंतहा के तारीख़ इंसानियत में जब मौरखों ने इस वाक़े को कलमबंद किया तो कलम ने कहा कि इसके बाद मैं ऐसी दास्तान दोबारा नहीं लिखूंगा, कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसे ज़ुल्म ऐसे सितम न मैंने आज तक कभी देखे न आज के बाद। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उसके बाद भी मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसे जुल्म की दास्तान लिखने का मौका ही ना मिले। जब हम करबला की बात करते हैं तो एक तरफ से मेराज किरदार था हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा का अलैहिस्सलाम, और एक तरफ जब हम देखते हैं पस्ती किरदार थी जो उनके मुखालिफ थे, जो हक़ के ख़िलाफ़ थे, हक़ की अलमबरदारी के लिए। जब आज भी हम कभी हक़ की पासदारी करते हुए ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जब हम आज भी अदल और इंसाफ़ की जो तराजू है अगर उस तराजू में कहीं खलल हो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, तो आज भी हुसैनियत ज़िंदा है। और जब आज भी बर्बरियत, ज़ुल्म और परेशानियों, मसाइब, आलाम की हम बात करते हैं तो यजीद को याद किया जाता है एक इस्तेआरे के तौर पे कि यजीदियत जो है वो जुल्म का एक मतबादल बन गया। खराज अकीदत उन सभी शुहदा को जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी कीमती जानों का नजराना दिया, और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हम अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं इसे कबूल फरमाना, और जिस मकसद के लिए, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हुसैन से बड़ा हुसैन का मकसद था और करबला से बड़ा करबला का पैगाम था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हुसैन की तालीमात पे अलैहिस्सलाम उनकी तालीमात पे उनके फरमुदात पे अमल पैरा होने की तौफीक दे और इंसानियत जो है एक अमन का गहवारा बने। आज के प्रोग्राम में भी दो मेज़बान शर्फ़ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं रहूंगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई इशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, गुड मॉर्निंग जैन के का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़र मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खलूस बरा इस्तकबाल, उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह यही दुआ करता हूँ कि आप सभी दोस्त खुश व खुर्रम होंगे, बसैत व सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। डॉक्टर साहब, आगाज़ में जो आज आपने तमहीद बांधी, आँखें नम हुई ज़रा सी जब आप इस वाक़े के बारे में बात कर रहे थे, और ये सिर्फ तब तक ही महदूद नहीं रहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी उसके बाद ये मिशन जो है चुप नहीं बैठा, बल्कि आज भी अगर आप देखते हैं और आज के माहौल में भी जब आप नज़र डालते हैं तो तब अगर एक आवाज़ थी आज करोड़ों आवाज़ें हैं, तब अगर इस बातिल के खिलाफ एक आवाज़ उठी थी और आज उस आवाज़ को याद करने के लिए करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं और बेतहाशा तादाद में लोग हैं। आप जानते हैं कि
इस करबला की याद को ताज़ा करने के लिए पूरे मुहर्रम में एक मोमिन जो है कोशिश इसी कोशिश में रहता है कि इबादात में, और कई ऐसे मोमिन हैं जो आज़ादारी में रहते हैं। और आप जानते हैं कि इस मौके पर हमारा जो खिता है, वादी जो यानी कश्मीर है, यहाँ पर भी जुलूस जुलूस बरामद किए जाते हैं। और कल जो है 8वें मुहर्रम को एक तारीखी जुलूस यहाँ पर भी निकला, जिसमें आज़ादारों ने शिरकत की, और उसमें खास तौर से हमारे जो आईजीपी साहब हैं उन्होंने उसकी निगरानी की, और जी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मौजूद थी, और उसके साथ साथ जो बाकी कमिश्नर्स भी वो भी उसमें मौजूद थे। और वो तारीखी जुलूस अमन अमान के साथ माशाल्लाह गुजरा, और ये सिर्फ इस याद में था कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है उसको एक और फिर मर्तबा याद दिलाएं, ये सिर्फ ताज़ा किया जाए, ये सिर्फ उसी बात तक महदूद नहीं रखी जाए कि तब यजीद था और हुसैन अलैहिस्सलाम थे, बल्कि यजीदियत वहीं तक महदूद नहीं थी, आज भी हमें याद दहानी की जाती है कि आपके दौर में, आपके अंदरून में, आपके इंट्रोस्पेक्शन में अगर यजीदियत है तो उसको भी वैसे ही खत्म करें जिस तरह से, जिस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बातिल के खिलाफ आवाज उठाई थी। और हमें चाहिए कि इन अयाम में हम लोग अल्लाह ताला की और दुआ करते रहें, उस याद को भी ताज़ा करते रहें, और उसके साथ साथ जो शोदाए करबला है उनको खराज अकीदत पेश करें। हमारे प्रोग्राम की ओर से भी जावेद साहब अक्सर ये कोशिश रहती है, हम भी ज़रा सी मामूली सी कोशिश करते हैं कि हम भी उन शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश करें जिस तरह से आपने तमहीद बांधी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मतलब हमारी जुबान कासिर है, कहाँ हम ताब लाएं उन शख्सियात को, उन अजीम शख्सियात की हम तमहीद भी अदा कर सकें, लेकिन कमा हक हो जितना भी मुमकिन होता है हम कोशिश करते हैं। और एक और बात के जो 9 और 10 मुहर्रम यानी आज और कल का दिन है, इसमें रोज़ा रखना सुन्नत है, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, और उस जो तिश्नगी थी करबला के मैदान में उसकी बिल्कुल वो ममासलत करते हैं 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रख के, हालांकि 10 और 11 को भी रखा जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि 9 और 10 को रखा जाए। और इसके अलावा जो दुरूद अज़कार हैं उनके जो है विरद किया जाए, और इसके अलावा अल्लाह ताला का जो की जो तमहीद है, शुक्र है, हमद है, वो बजा लाया जाए। और करबला के वाकये से जो सबक मिला है, जिस जो फलसफा इस पे हमने पिछले चंद प्रोग्रामों में हमने बात भी की इस हवाले से कि जो फलसफा है, जो मकसद था असल में, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा हुसैन का मकसद था, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, हमें उस मकसद को समझने की कोशिश करनी है, और उस तालीम पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है जिस तालीम ने अमन व अमान को बढ़ावा दिया। और अब मौसम और सड़क के हवाल से भी हमारे नाज़रीन को बाखबर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाने होते हैं, और सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं श्रीनगर और जम्मू के मौसम के हालचाल। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। श्रीनगर में आज मतलब साफ रहने के इम्कान है, जम्मू में आज जुज़्वी तौर पर कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और उसके बाद कुछ बारिशें भी देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से आपको इतला दें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है, बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनभद्र गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को एक तरफा यानी कारगिल और श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा, और मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। और उसके साथ साथ जो मुहर्रम अल हराम के पेश नजर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उनका आप लोग खास ख्याल रखें, 10 मुहर्रम के दिन जिस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा उसके हवाले से ही आप अपने सफर को बांधिएगा, और जो तफसीलात है ट्रैफिक के हवाले से वो आप मौसूल कर सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम से। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है, इसके बाद स्क्रीन पर स्क्रॉल भी होते रहेंगे और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप मौसूल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अशफाक। और आज के इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के की शुरुआत हम एक नौहा से करते हैं, और नौहा के बाद हमने जो हमारे आज के मेहमान हैं उनकी तशरीफ़ आवरी मुतवक्को है, तब तक वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद उनसे भी मुलाकात भी कराएंगे आपकी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। Yeah.
ख्वाब बेसर सकीना सकीना चश्मी बाब बेसर सकीना सकीना इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नजर मतलब आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और हम सिर्फ टीवी पर दस्तियाब नहीं है, हर बार की तरह आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर भी आप लाइव स्ट्रीम के थ्रू हमें देखते हैं। यूट्यूब पे जरूर हमें सर्च करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो एपिसोड्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ से नशर होते हैं, उनके सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। अगर आप आज का प्रोग्राम बाद में भी देखना चाहते हैं या कुछ पुराने जो हमारे नशरे आते हैं उनको फिर से एक और मरतबा देखना चाहते हैं, उन यादों को कुछ यादों को खंगोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर सारे एपिसोड्स हमारी चैनल पर मौजूद होते हैं। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं किसी न किसी खास मेहमान शख्सियत को हमने मदऊ किया होता है प्रोग्राम में। आज भी मेहमान हमारे तशरीफ हुए और उनके साथ मुलाकात जरूर कराएंगे, पर उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। वक्फे के बाद मेहमान से गुफ्तगू होगी और प्रोग्राम भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के।
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी, 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। क्या तुचवा कोठन ते जोड़न ही जदाएगी परेशान करमित बामरियों में वूत अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तुम बीमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करो रद्द 9814709405। तो शुभम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के तो साइनस पर्सनस तशरीफ आवरी सब दे। आज के इस एपिसोड में जिन शख्सियत के साथ हम बात करेंगे वो एक हमजोत शख्सियत हैं, उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। आप इनके नाम से इनके काम से मानूस हैं, लेकिन चूंकि हमारे व्यूअर्स की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इसलिए इनसे इस्तेआज़ा करेंगे कि ये अपने तारुफी कलमात में मुख्तसरन अपना तारुफ दें। और इनके मुलाकात से कबल इनकी नज़र एक शेर ये कि यही है इबादत यही दीनो ईमा, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रशीद हांजुरा साहब आज हमारे दरमियान हैं, एक कानूनदान हैं, एक सामाजिक कारकुन हैं, एक अदीब हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। आज इसलिए मधु किया है कि उन चीज़ों से हम आज पर्दा थोड़ा उठाएं और देखें कि एक इंसान दुनिया में आकर के अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके क्या कुछ हासिल कर सकता है। खुश आमदीद आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मैं गुड मॉर्निंग टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अक्सर मुझे दावत देते हैं इस प्रोग्राम में आने की। आज के लिए भी उन्होंने दावत दी, बहुत शुक्रिया। जहन नसीब आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके नाम से जाहिर है कि हांजुरा जो चाडुरा का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है वहीं से आपका ताल्लुक होगा, और हांजुरा ने बहुत से हीरे पैदा किए हैं। थोड़ा सा पहले आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, और हांजुरा और इसके मुल्हिका जो इलाके हैं बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरफ से आज़ाद साहब हैं, एक तरफ से मकबूल साहब, तो एक ऐसा इलाका जहाँ पर इल्म व अदब ने खूब जो उसकी सिंचाई हुई, और उसके बाद वो परवान चढ़ा और पूरे जो जो उफक है, जो अदबी उफक है कश्मीर की, उस पर वो इलाका जो है बिल्कुल एक महताब की तरफ बिल्कुल है। तो थोड़ा सा बताएं आप अपने बारे में और अपने इलाके के बारे में। हाँ बिल्कुल, जावेद साहब ने सही फरमाया कि ये सही है कि हमारा इलाका जो है बड़ा जरखेज़ है इस लिहाज से, और बिल्कुल बहुत सारे दरख्शना सितारे मैं कहूँ जिनका उफक में उनका मुजाहरा हुआ है, और उसी का असर शायद हम पर भी हुआ होगा कि हम कुछ लिखते जाते हैं। चूंकि आपने कहा पहले ही कि मेरे नाम के साथ मैं हांजुरा है नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो असल में हांजुरा एक गांव है, तो वहाँ ही मैंने जन्म लिया, वहाँ ही मेरी पैदाइश हुई, और हमारे गांव में कश्मीरी पंडित भी रहते थे। अच्छा। असल में उन्होंने कश्मीरी पंडित, चूंकि उनकी वो कास्ट होती थी रैना बट कौल वगैरह, लेकिन उनका पहले से रहा था कि वो अपने नाम के साथ बट कौल वगैरह नहीं लिखते थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक खास शनाख्त के लिए कि अपने गांवों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। वो इसलिए कि वो इस गांवों से बाहर नौकरी के सिलसिले में, पढ़ने के सिलसिले में जाते थे, और आबाद भी थे, कहीं बैरूनी ममालिक में वो थे या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में वो थे, तायनात थे, तो इसलिए उन्होंने अपना गाँव का नाम अपने नाम के साथ रखा। तो उन्होंने कहा कि कौल बहुत सारे हैं, रहना बहुत सारे हैं, बेहतर है, तो उसका असर
हमें हम मुसलमानों पर भी पड़ा, तो चूंकि हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे रहते थे, एक ही कल्चर था, सारा कुछ एक ही था, खाते पीते एक ही जगह थे, तो हमने भी अपने नाम के साथ ये नाम जोड़ दिया। और उसके साथ साथ चूंकि यह हमें मालूम है कि बहुत साल पहले कश्मीरी पंडित ही ज्यादा तालीम के साथ वाबस्ता थे, टीचर भी वही थे और अक्सर उनके बच्चे पढ़ते थे, तो मुसलमानों की तादाद बहुत कम, पढ़ाई लिखाई और मुलाजमीन में भी कम तादाद थी, तो उस लिहाज से हमने बहुत कुछ उनसे सीखा और पढ़ाई के हिसाब से भी हमारे गांव में परसेंटेज उस वक्त बहुत ज़्यादा थी बाकी गांवों की नस्बत से। वजह यही थी कि उनका वो असर हमने कबूल कर लिया था, तो और मुलाजिम भी वहाँ बहुत सारे थे क्योंकि जब पढ़ाई की तो मुलाजिम थे ही, लेकिन आज की सूरत हाल दूसरी है, आज का वो माहौल नहीं है, आज कुछ और ही माहौल है। बिल्कुल, वो इसलिए कि जब हमारा बचपन वहाँ हमने गुजरा, हमने देखा वहाँ वो लहलाते हुए खेत, वो नदियाँ, साफ शफा पानी, वो झरने, वो सारा अब कुछ नहीं दिखाई देता है, नापैद हो गया है, और इसमें हमारी कोताही भी है और जिम्मेदार भी हम ही हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो कभी कभी याद आता है कि उस जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, माजी को खंगालने की कोशिश करते हैं तो याद आते हैं कि वो चीज़ें कहाँ गई और वो कल्चर हमारा वो कहाँ गया, तो उसको ताज़ा करने के लिए कोशिश भी करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। अब उसको बहाल करना, उस माहौलियात को बहाल करना, ये बड़ा मुश्किल कार्यदार्द वाला मामला है और दुख भी होता है कभी कभी। तो जाहिर सी बात है, जब आपने वो जो बचपन है जवानी तक आते आते एक ऐसा माहौल था जिसमें आप देख रहे थे कि हर तरफ से हरियाली है, झरने जिनका अभी आपने जिक्र किया, अभी जो आज एडवोकेट साहब जिन्हें लोग जानते हैं, बड़े संजीदा हैं, कलमकार हैं, तो बारोब शख्सियत हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बचपन की तरफ ले जाएंगे, जिन पंडित बरादरी का आपने जिक्र किया तो आपके गांवों में बहुत सारे थे, तिम बट बिमजान इसमें का शायद तिम बचपन एक तिम वाका तुशु वनकस बड़ मतलब कानून दान छो, तुशु केस लड़ान, तुशु अदल इंसाफुक मामल कोर्टस मज वा कुन सात युद्ध गोमत कि यमें तह बसान कि तमें सात बचपन मन तिम शुर पानस मज गई तमि वज किस लगजिश गलत गलती वन तिम क्या शुर पान इंसानस गिंदनस मज द्रकनस मज कु कह वाक याद कि यह हको पाजरन सेयर कर बुनियादी वो तो बड़ा असल सवाल, बचपन मज गलती वनो न बचपन बचपन तथ मे ग चीज तम शूरी तौर करा कह बल्कि गैर शूरी तौर ग वाक यह बल्कि मे पे आटोबायोग्राफी मज लूत त चूंकि कॉलेज पढ़ान कॉलेज मजान एजुकेशनल टूर एजुकेशनल टूरस मजान मगर अक्सर करा कोशिश सान वक्त बी ए सेकंड ईयर आसान त्रेवरी बी ए फर्स्ट बी ए सेकंड बी ए थर्ड बी ए सेकंड ईयरस मजान इम्तहान दिन कह लिहाजा प्रेफरेबली दपा अ बी ए सेकंड ईयरस मो एजुकेशन टूरस इम्तहान कह लिहाजा वंद बी अक्सर ग छुटियन मज चूंकि एम वरी बहुत तो बीस मोन साथी तम स ना महाराज कृष्ण हांजूरा इकवट पढ़ान लक्ट पे स्कूल पे पे कॉलेज मकवट अस तो अम वरी प्रोग्राम गरिकन तुन एजुकेशनल टूरस ग मगर सैन बदकस्मती अम वरी गवर्नमेंटन बंद बिल्कुल दुपन सा यम वरी यूस ग मगर अस प्रोग्राम बनोत वो क्या करो समे दोस जोर स गन वनो अपुज क्या वनो अपुज सान वक्त तूत अगर सुबह गाड़ी में बसान कॉलेज ग शाम तान गिकन फिक्र रोजान वापस इन चेर क्या गो तिथि मामला हालात फोन बाकी चीज कम्युनिकेशन अब अगर इन वनो टूर अच्छा कॉलेज सहन गवर्नमेंट टूर दिन ग मगर यपर पे जाए तय कर्मुत कि वक्त फायदे तुलन ग अन गिक आपस यह कोर अतुर वनो दोनवे हम तन गिकन मे तन गिकन गो दि पोस दुप रट सब कोत लग ज्याद साढ़ ओर हथ रुपये साढ़ ओर हथ रुपये 1975 अम दी दिए अ द्राई सिर्फ खाली जो नफर
हमन से पता गए कॉलेज टूरस पत्स तकरीबन रेतस जम्मू शुरू गो जम्मू पे गच लटूस भी श्रीनगर नबर न तो अगर गरिक सैन बोजान तम गह परेशान गम खोश तम दान ठीक तम पत गए दहली दहली तुर वन पत गए बॉम्बे आगरा वगैरह वगैरह मगर अस खुशकस्मत अमिस महाराज कृष्ण हांजोर बोय उस नेवी में ऑफिसर बॉम्बे में तो तत् मिल तहद एकामडेशन कर कनायत बल्कि शाम कुन सात बत खेवान कह चाय प्याल अख या काफी कप अख तो बेस डबल सच पीस अखिल गुजार अकस रेत बराबर पे चीज हे टूरस मे हेचान चीज कॉलेज मजान तम चीज फलान जाए हिस्टोरिकल तम कर सारी कवर तम जाए गई तो आज आप अपने ही खिलाफ जो केस है उसमें आप सुल्तानी गवाह बन गए आज ये सच है क्योंकि सच को कभी छुपाना नहीं है मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें जितने भी चीजें हैं बिल्कुल इसका भी और बहुत सारी चीजें उनका जिक्र किया है वो सिर्फ फैक्ट्स मेरे साथ मेरे फाजिल दोस्त भी हैं हम अदालती लैंग्वेज में कहेंगे मेरे फाजिल दोस्त भी जानना चाहेंगे कुछ बातें हांजुरा साहब से तो जी बहुत शुक्रिया अच्छा ये गो थोड़ा बहुत जम पहन शुरुआत पे बोसा आगस पे आप बहुत मरतबा आए हैं बिल्कुल इस जन कथन वाश सह सही पे पूर कड़ी कि आज करो थोड़ा इंसा कि स्कूलिंग कत पे गई पे तलीम तरबियत इस जन उस मामलों कित पे पोक ब्रो कु क्या क्या पोक बिल्कुल सही जन तह बूजमुत तुम लक मगर सान वक्त समानस मे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल सान वक्त श्रीनगर मे त्रे बिस्कुट टेंडल स्कूल मेलनसल स्कूल बे बरनहाल बाकी कहीं हम बाकी प्राइवेट न गन मे न शहर यह लिहाजा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ये गामस मजे गवर्नमेंट स्कूल मिडल स्कूल पोर मिडलस तय पनस गामस मे मिडल पास कर् ती पोड़ा हन दूर पंत वन जुहामा जुहामा तम दिन हाई स्कूल आज हायर सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक पास कर् ती तम पे शहर कॉलेज कॉलेज श्रीनगर मे पोस बेमना कॉलेज तिमन दिन बन नो कॉलेज डिग्री कॉलेज आज कॉलेज बेमना ती पोर दोनव साथियों महाराज कृष्ण हांजोरा तो बहुत इकवटे स्कूल तिकवटे कॉलेज तिकवटे तम कर ग्रेजुएशन तथा ग्रेजुएशन पे बड़ शौक कि बह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ला कर तो गरिकन तो मान वालदेन तो जबरदस्त शौक यह वकील बन तम बल्कि सू दुआ तिंद कबूल गुम बो लोगस अथ कारस मे बोस न बदल कर जन मे बाकी के एस तो क्वालिफाई के सी एस तो मगर हूं दुआ उस कत क्या था तो बह गोस अथ वकालत मज मगर चूंकि गुर्बत गरिक दपान ना यीत पोस कतन अलीगढ़ गन खुद स बोजान ना तुम अत बो गहवारा सू मे मतलब तथा अमु थोड़ा बहुत हेचा बेस खोश ग गबर पढ़ा तो मगर तमो दुन ना सर ये भोर कश्मीर यूनिवर्सिटी फारम मे द्रा त्रन मं द्रा उर्दूस मे द्रा पोलटिकल सैन बी द्रा लॉस मेल ये द्रा गर दुन ना लिहाजा पे अर दोनवियों पे अति कश्मीर यूनिवर्सिटी एल एल बी तो अलबत् तम पा कल डिप्लोम इन जर्नलिज्म मगर सब कर् दहली तो तम पूद यह सिलसिल चालू पत वकालत जरूरी एल एल बी करो पे वकालत कर थोड़ा बहुत इन मुतलिक जानून मगर वक्त कैंसन चीजन पे ख्याल थान इजाजत अगर तुम्हें रुकन तम पाओ यह कलाम जारी नाजर मुहरम आप जानते हैं कि एक वक्फा होता है हमारे प्रोग्राम में कुछ वक्फे होते हैं और यहाँ पर भी एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद मेहमान से जो सिलसिला कलाम है वो जारी रखेंगे और अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुँचाएंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना क्या
तुझा कोठन तो जोड़न हिंदगी परेशान करमित बामरियोम वह तो अकू जुलाई मुल्क मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तुम बेमार चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करो रब 9814709405। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के और अभी वक्त हो चला है कि हम आप तक पहुंचाएं अखबारात की सुर्खियां। शुरुआत में एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में है और इसकी एक सुर्खी है, अपॉइंटमेंट्स मेड विदाउट लीगल सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस हाईकोर्ट। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, आगाज करते हैं इसी अखबार से। अखबार लिखता है कि यूटी के बजट को हतमी शक्ल देने की तैयारियां, तरक्की, ज़िरात और बागबानी पर ज्यादा तवज्जो देने के अलावा बजट में अवाम के लिए कुछ फला इकदाम मुतवक्का। एक और खबर इसी अखबार से, चीफ सेक्रेटरी की कौमी शाहरा 44 पर फलों से लदे ट्रकों की बगैर रुकावट रवानी की हिदायत। जी डॉक्टर साहब, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, उसकी चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। जे एंड के गवर्नमेंट ऑफर्स वाइल्ड एनिमल्स फॉर एडॉप्शन, इसी अखबार की एक और सुर्खी, जे एंड के गियर्स अप फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विथ पॉलिसी ड्राफ्ट। और इसी अखबार से एक और सुर्खी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रॉसेस 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन एक्स फॉर्मरली ट्विटर। जी, एक और अखबार मेरे हाथ में, अखबार लिखता है पिता यानी गाल ब्लेडर में पथरी के मामलात में बेतहाशा इजाफा, शरई 5 साल में 21% बढ़ गई, 2 साल में 78,000 जराहियां अंजाम। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का सार्फिन को सख्त इंतबाह, बिजली चोरी पर नामजद अदालतें जुर्माने आयद करेंगी, स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन को बुकिंग और मीटर टैंपरिंग के लिए बिजली मुनक़ता की जाएगी। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है एपेक्स लेवल ऑफ एनकॉर्ड, शाह टू इनॉग्रेट एनसीबी जोनल ऑफिस एट श्रीनगर। एक और खबर इसी अखबार से, वी द पीपल अनवान के तहत बॉटम लाइन में आरटीओ कश्मीर डायरेक्टिव टू ऑटो ड्राइवर्स टू इंस्टॉल फेयर मीटर्स ऑप्ट टू कर्ब ओवर चार्जिंग हेंस वाइडली हेल्ड इन कश्मीर। जी, एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, एक जायजा छपा है इसमें, फ्रॉम क्लास रूम्स टू कंफर्टेबल क्यूबिकल्स गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू रीअसाइन टीचर्स स्टक इन ऑफिस रोल्स, एडवाइजर भटनागर वोज एक्शन एज टीचर्स डॉज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रीअसाइनमेंट ऑर्डर। जी, एक आखिरी रोजनामा, जी मेरे हाथ में अखबार लिखता है खराबी मौसमी सूरत हाल के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी, गुज़श्ते 16 दिनों से जारी, अब तक यात्रियों की तादाद 3 लाख पार कर गई। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के और आज के जो शुमारे में हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है, हमने जिन मेहमान को आज दावत दिया मधु क्या, यह है जनाब अब्दुलरशीद हांजूरा साहब जो कि कलमकार है और उसके साथ साथ इनकी जो शख्सियत है वो हम जायद है और इनसे सिलसिले कलम जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप इस बातचीत को प्लीज़ आगे। तो अभी हम पहुँचे, बचपन में भी हमने यूनिवर्सिटी का भी रुख किया, उसके बाद आपने जर्नलिज्म में भी आपने, तो जर्नलिज्म क्या उस रुझान की यूँ ही आओ कुछ साथ वक्त तो दबो वल अत मज बुनियादी सान वक्त एवन्यूज कम ये बहुत अमद कालेज पारा कालेज उर्दू पे बहुत कह मज लखान मे क्लास फेलो अमन राहुल जलाली मे मे सत पारान अथ डिग्री कालेज तमस मोल पी एन जलाली सह मशहूर बिल्कुल बह रागिब ओकन राहुल जलाली उस दोस् उस दपा हे मे पे मास कम्युनिकेशन मजर्नलिज्म मगर सान बदकस्म सान वज कश्मीर यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन कहें तो तम पे सू गो जे एन यू कर तम वो मे मगर मान गन तो फिक्र तरह ये मेरे सोच वकील तुम बस सू सारे खुद ज्यादा बेहतर वकील बन तमें तो मे पूर पता कि जर्नलिज्म यूत अम्स अत तम वो पे अक दो वल सी बह करना स्कॉलरशिप
मे दोपस हत पत कैफियत मे कर पत मे श्रीनगर टाइम्स अत मज क्या कर ये अंग्रेज अखबार दि चूंकि तम कौर मगर सो रूद नबर तमिस गो सो मगर यो आइडिया उस तमी मे दुत पे वकील तो बनोस मे रूद मे दत मज करो थोड़ा बहुत कोर पे डिप्लोमा तो मगर चूंकि चाहत गई यह सिलसिल अवे मूजूब तमन युवानी सर्विस ये शुरू गेडियो तम अक्सर तम कंपेयरिंग करान प्रोग्राम पार्टिसिपेशन करान बच प्रोग्राम तम गई रेडियो कश्मीर चीज अम सान चूंकि पवन्यूज तमन दिन अहन गाइडेंस अहन तो पे ये बुथियाती करान यह मगर शौक पे जाए शौक पे करना कहें तो वही ये सात जिकिर कर मुख्तलि करान वाकई करबल जिकिर कर मतलब इन दोन याद अम बगैर तम सात जन आसान कह बड़े लुकन हम सात कत कर तमो पी जन जिंदगी सो तमो कर्म डेडिकेट बिल्कुल कौमस तमो कर्म समाज डेडिकेट तमो कर्म तुम वन कि सान कलम सान कदम सान कथ सी जे किशर यून कुन जे गेहतरी यून कुन जे गह हदायत लब या शहलवाओ अत यह तुह शख्सियत तु फरमो पाने के जर्नलिज्म वकालत मगर यह सोशल वर्क सोशल वर्क कर्व तह कदमे तिरहमे तखने तो कलमी तम सा तुख लेखन ये वकील हालांकि लेखनस मजान केसन हंद जरह वरह वगैरह चीज जरह मगर पत् रस्मी तौर पे लेखन आ गो यह कि वकालत मेखन अच्छे वह बड़ बड़ वकील तम लेखान पे लाच कताब वगैरह बाकी चीज मगर तुम लेखो तमें नबर ते बिल्कुल तो तम नबर लेखो ज्यादा बिल्कुल मुतजाद यु तुह शख्सियत यप वकालत यप इन मौजूद पे कलम जोन कित वो तो कमन कमन मौजूद पे कर्व तह तबाह बिल्कुल तुह सवाल बजा यह बिल्कुल सही असल कत इंसान गोड़ तुह गिक इंसान फितरतन इंसान अल्लाह ताला थोमुत कि इंसान यसान बेस इंसानस मदद कर अल्लाह ताला ने थोमुत दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना के लिए कुछ कम न थे करो तम से फिरिश्ते तेल क्या जरूरत मगर तम कोर यह दर्द दिल असि मज पैद वो अत अको मसल चूंकि सारी इंसान एक्सप्लोर करान ये दर्द दिल के प्रस मे मौजूद वो थोड़ा कर एक्सप्लोर या मुतासर गुत समाज कहान रुत कम कर मुतासर आज वुचान समाज में कह बुराई समाज में कह खराबी या ना बराबरी या वुचान गुर्बत तुम तम सह मू ग सपा बह कर सारी चीज वु मे मे दोप समाज मे कह कर जरूरत तो थोड़ा बहुत करा वे दपान हे अत ग पोसे सी बिल्कुल यह सही पोसों बगैर हेको नाम कर मगर जरूरी पानस नीचे आज पोस सह जरूरी कह चूंकि ये स्टेज पे तम लूकन वनान यहां यहां कर मे नीचे कहीं सरमाया कह पोस मगर ये मैदान में वसो पत हाव ट्रांसपेरेंट तरीकस मह करो लूकन पान तर फिक्र बिल्कुल कुदरत निर्फ अको चीज शरत खलूस गे रब पाने करा सबब करा पाने कड़ा वात मगर ये खलूस अगर अस खलूस नेक नियत आब जरूरी मदद मगर दुनिया कि लूकन मज ग ट्रांसपेरेंसी बीच गो पान तकाउंटेबल अानस तम कर यह करो लूकन ब्रो कु पेश गो बीस गमदनी अन पट गाफ शुपाफ आ तेल लूख कर पे जरूर भरूस तम ब्रो कु तम मदद तरह कदमे दिरमे सोखने इत पे तुम वो अखबार वोल अखबार तरीक मदद कर पोस वोल पोस दिवान इस कलम आलम तिथ नियत तिथ वुजार तुत स्ट्रंग तमें तहद कलम सद लिहाजा पुड़ान लुक दोनों
लोग आते गए कारवां बनता गया, तो मैं अकेला निकला था जानिब मंजिल गोड़े पान अकेला ही नारा से मगर नियर बड़ कत शर्त पहले तो निकलना है, घर से निकलना है, कहीं से निकलना है, फिर मंजिल खुद ब खुद आती जाती है, मिलती जाती है। लेकिन अमे खुद तकदव करें, कोशिश करें। वो दोम सवाल क्या वनो तुम दोम सवाल चूंकि बहुत कशुर सीशिर तादरी जबान अबरदस्त कमजोरी आने मादरी जबान मे पानस तमजोरी बहु दपान चूंकि बहसित वकील मैं अंग्रेजस मज कर अंग्रेज पे लखन अंग्रेज पे बहस कर सो जरूरी सो मे मजबूरी रोजगार मजबूरी मगर चूंकि जबान मादरी जबान मे कमजोरी लक्ट पे रूम नशुर पोर्मुत कहीं अच्छे सान वक्त कशुर पढ़ना कहीं मगर कमजोरी मे ये कि मे पो पानशुर वोच अकिस बीबी जावेद सबन गोड़े वो कि सोन अलाक उस जरखेज अ मामलस मे अक तरफ उस अब्दुल्ला आजाद ही इनकलबी शायर दुम तरफ उस मसनवी निगार मकबूल शाह क्रालवारी मानस हमसाय गुलरेज ब्या मोती लाल साकी महनूर मन रोजान तमि नश पे गए कालेज पढ़ा तुम लड़को मे वह दोस् विजय साकी तमो तम हेचन पम कर गाइडेंस यम चीज महरिकात यहां अस लखनस कुन मिल कर पोर अस कश्मीर कश्मीर जबान इसशिर जबान अम के हवाल करो कह खदमत कशिर जबान तीस पुन वंद बावत यहां वनान ये जाहिर करने खुद ग मीडियम मीडियम वो चूंकि पत् मज पे अखबार मज लखन अंग्रेज पे त मेज पे इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कन सिविल सोसाइटी हंदिस अत सिलसिलस मन ट्रैक टू डिप्लोमेसी सिलसिलस मन तथे पे अंग्रेज पे बोल पत् तम कह जमा ग तम आर्टिकल तम पपाय तम अखबार मज छपा पत् कम्पाइल बने किताब ये चीज बने नुन वकील तूत टाइम कह असान लुकन हंद मामलत नजरवि लुकन हंद केसन सी ज्यादा पुन मगर टाइम पे मनेज कर सारी चीज बन पानस बहुस मन ग परेशान वनो परेशान अत सेंस मज कि मे हम तम तो प्रोजेक्ट तो यह कि पकनो सोरे मे लोग कल अख जरी शाहिद मान सब किताब कशुर तर्जम कर कम्प्लीट वो आज वन मे साहित्य अकेडमी वल सो अंग्रेज पे तर्जुम दिन कर मानस फादर लाटाक जैनगिरी सज किताब सोया बट मे बसान बह हक कर मुश्किल मे कौर हाल हाल तथ वह सफन तर्जुम तथ मज त पांच सत्त पर्सेंट मे मदद पे खानदान नकान बहुत वह वर्ग तक टाइम ये ना वक्त ये ना मगर कोशिश कर कोशिश करो वक्त नेरान पे पान पम चीज ब्रो कुन यम चीज राइटिंग बाकी चीज वो सवाल सोशल सर्विस वो मे गोडे कि चूंकि अस सारे जरूरत सोशल सर्विस कर मगर हेको नारी कर कहीं वो यूत अल तूत कम से कम तमिस करो एहानत करो करो हौसला अफजाई करो एप्रिशिएट करो असल हकीकत कि इंसान ये कदम तुलान पान यह जरूरी कि इंसान से पानस नी पोसु करना यह चीज प्रमोट कह कि सोशल मीडिया पे क्या वो मगर मे वुच दिल तम केसिस एक शख्स ने आवाज तुझ चौहान घंटन अंदर गई लक्षन मज डोनेशन गो दिन वल बदल मगर आवाज बदल एक शख्स खैर यह सिलसिल इंशाल्लाह अल्लाह ताला थी चीज जारी कि दुआ त करो यह चीज कि यह माद गोस आसन प्रति शख्स मज सो सोचन जन जिंदगी यह जिंदगी सिर्फ पन्ने खतर यह महदूद थावन किन बल्कि बाकी हंद खतर तक फायदेमंद साबित आसन तो इस जन यह सवाल राइटिंग अत पे करो बे ते कलाम अत मुतलिक प्रसो तुम बे किताबन मुतलिक जानो मगर नाजर मोहतरम ये रुको एक वक्फ खतर तो वक्फ पत करो मेहमान सत बे मुलाकात तुरज वो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना।
तुझा कोठन ते जोड़न ही जिदाएगी परेशान करमित बामरियो म वो त अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तुम बीमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रद्द 9814709405। एक और मरतबा इस्तकबाल नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। आज के शुमारे में हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, एक हमजद शख्सियत है, कानूनदान है, कलमकार है, यह जनाब अब्दुलरशीद हांजुरा साहब। हांजुरा साहब से इस बात करें तो जन किताबन मतलब, डॉक्टर साहब आपके हाथ में जो किताब है बिल्कुल यजन तुम ये खुद नविश्ती बोन शहजारस अमे ब्रो करो गो तुम जन तह वालद नस्बती तशीर हंद बहल पाए समाजी कारकुन वन बाकी वन बहुत चीज क्योंकि इंद जातस खुद यूह कफी कि इन वन कि अलमबरदार अक तहरीक समाजी कामन मज ब तम गई टाक जानगिरी सब टाक जानगिरी सब मुतलिक लूखमत कर तो यह किताब मुतलिक वन तुम गोडन किताब कस मे निश्चित चिनार के साये में ऑटोबायोग्राफी बोन शहजारस उर्दू शाह चिनार के साये में तो अंग्रेज पे अंडर द शेड ऑफ चिनार तो यह सबरंग थोड़ा बिल्कुल सही टाक जानगिरी ज्यादा पहन मशहूर समाजी कारकुन की हैसियत क्या गोडनेत सुई वाहिद शख्स कश्मीर यम जन ये समाजी तहरीक शुरू कर समाज कन पथखोर वर्गन यम खसूसी तौर यतीम तिमन काम मगर अत टाक सब शायर ते कलमकार ते तम बड़ तहकीक करम कशीर जबानी लिसानी जबान जन तथ मुतलिक कर डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज सो बेस तथ सू शायर चूंकि तम पे वक्त तम लक लकट पंपलेट आए तम बन तम तम जमान तमें पे छपावान तो तम मुख्तलिफ पंपलेट किस शक्लस मं तम छपम ओड़ छपन तो तम हूक पे जिंदगी मं पू छप कंपाइल कर बल्कि मगर वनान मे तम वसियत तर्म कि यह सा करा बह कंपाइल तो यह गोस गु तहद मरने पे कर् मैं कोशिश अतन मे मवाद मूल मे कोर सू जमा तो दितस तरतीब यह बने अख किताब अख सबरंग नई छपे यह किताब हक अदई अत मैं एडिटिंग कर जमा कर्म यह पे छपम सोशल इशूज पार्ट द्रामित अको पार्ट वन एवेलेबल तेज ब्याह आउट ऑफ स्टॉक कह सोशल इशूजन पे मिल कलम तुलमुत पे अखबार छपे किताब आर्टिकल पे मे तम कंपाइल जमा कर तो छप यह किताब तो यह गई पे डिस्ट्रीब्यूट वारियन फॉरेन कंट्रीजन मज अंग्रेज पे ब्या सादत वन बहत क्या तुम रूद कैम रूद स्टेट हज मेंबर तो तथा दौरान मिलोमत क्लोजली माइन्यूटली ये मनासिक हज मुतलिक तम पे कोर तह तरीक हज तो उम्र लिखु तक बुकलेट पे बड़ पजीराई ते सपदे जन आसान एराद मिलान तो पत ग तोर जियारत खुद तरीक हज तो उम्र तुंद तसनीफ तुंज अम रहनुमाई मिलान यह सठा यह अच्छा ब्या चीज अव यह बड़ा सा असल किताब यह बचन मुतलिक बैन अवी तो कौमी हकूक यह कशिर पे किताब तो अत मे बच मजूरी पे जन मुख्तलि मजामीन आम जानकारी वगैरह बहु किताब हथस मे असल कथ बच्चन मुतलिक कवानीन यूएन कन्वेंशन बैन सतह पे बच्चन बीच नेशनल लेवल हिंदन कानून या कॉन्स्टिट्यूशन में चीज सारी चीज अंग्रेज पे कर् मे बस वकील जमा पे दा बशि जब मे वो गोड़े किशि जबान खदमत करने खुद बी
کشرس بچس تم واتن خطر کرو کشر پی لکھا مے کشر پی تم قانون جمع کشر پی ترجمہ تاکہ سکولن مز گھس آسانی سید سیود پہ ٹیچر تمہ پہ ایکسپلین کرنے ضرورت کی بچس وات پنہ زبان مز مے کم حق سے توے سی اس مقصد یہ چھپاؤن خطر اتھے پہ سوتھی ون جاوید صبن صحیح کہ مے اس کتاب چا لوک سہ لوک اردوس مز چھوپ مے توشرس مز حج تو عمرہ متعلق سر تر مز مے تم چیز پریکٹیکل مے وچ بس سٹیٹ حج کمیٹی ممبر بی مے پان عمرہ دوران تت وچ یا حج کرنس دوران وچ کی چیز تم دوپ مے حج صبن تم واتنو ہو تم بی تم تہ اردوس مز تشرس مز تاکہ آسانی گھا تم سمجھنس مز یہ آسان مقصد رائٹرس توے چیز بروکن زن تہد یہ شہجار خود نوش تہوانی شہجار آٹوبایوگرافی ونو سوانیا عمری تہ لیچمسن چھو امیک یہ زن وچان چھ امیک یل ورق پھیران چھ اتہ تران فکری کہ مدعا تو مقصد چھ ہانجورا صبن یہ کہ مے زانن لک بالکل مدعا تو مقصد چھ یہ کہ مے کیا کور اگر ام نش کان تحریک نیے ام نش کان سبق یہ کر کوشش کہ اگر مے کن تہ ونی عرض کرو مے کور بڑ سا یہ سو خوش کہ اسباب اس تہ تہ کہیں بالکل مگر اخ عزم اوس عزم قدم تلو تہ اللہ تعالیٰ چھ پتہ پانے کران یہ یتھ مز تہ بالکل لیوکھمت پنہ شر پانے پہ کت کن ونیک تامت تہ زن تہ اللہ تعالیٰ تھینو تہ سلامت یم یوکن تہ تو یم زن تہ کام ہن کرو مختلف سماجی کام کرت کی رضاکار انجمن یمن زن باضابطہ ٹیکس ایگزمپشن گورنمنٹ آف انڈیا کے زن انکم ٹیکس رولس تمہ تو یہ زن یہ ات کن رجحان ات وزجار دن خاطر کم کم معاملات پی تہ کرن کم کم چیلنجز آئے کیا باسو تہ کہ ایکسیپٹیبلٹی کچھ سانس سماجس مز چونکہ یہ زن اقدارن ہز تہ ونی کت کرو ام سات اس وچھان چھ کشیر چھ اخ گہوار روتمت ہمیشہ بائے بند بالکل تہ کرو ونی پنڈت برادری ہز کت سکھ یم تہ مطلب یہ اس پتہ تھی ونان کہ ونی مہاراج کرشن جی ان کرو تہ ذکر مے باسان اخ اک سند اس کھومت ژوپمت تہ بالکل بالکل تیوت ام پتہ یم سات تہ یت قدم تلو پتہ اخ فاؤنڈیشن بنو تہ اک ٹرسٹ اک کرو تہ کم مدعا تہ مقصد اس صرف سماجی کام ات مز کم کم چیلنجز آئے تو تہ باسان کہ یس کم کرن ول یم تہ اگر کنس بیس اس اراد یت کان چیز چھ سکوپ بالکل سکوپ تہ چھ تہ بالکل کرنچ گنجائش تہ چھ اگر یسن ات اگر مسلہ اگر یسم چونکہ یہ کتاب لکھنک اس پہ تہ پان تہ ون مدعا تو مقصد مے یہ کہ بہ کر ضروری یم سات بایوگرافی لکھو ات شروعات کر بچپن پہ بہت بت آس بت آس پتہ کم ات مز یہ انمت کہ اس سون ماحول اس تمہ وقت لکچس مجھے کیا سکولن ہند معاملات کیا استاد رول کیا ام سی ہچان از پوی یہ تمن ایڈریس کر بنیادی کہ تم وچن آز وچا تمہ سات کم سہولیات مگر تمہ باوجود تس استادن مز ڈیڈیکیشن بچن مز ڈیڈیکیشن والدین مز ڈیڈیکیشن تم یسان بچس تربیت دین اخلاقی اقدار یت ونو تم کت پہ سن گروم کرنا کت پہ گروم آج سے تر ہنا کمی آم مقصد اس یہ کتاب لکھنچ یہ ہسٹری پن شیٹھن ورین ہز مے بنان ہسٹری پتہ مے کیا کور گوڑ پتہ کت ووتس پتہ کم چیلنجز تہ مے ات مز انمت سوشل سروس کر شروع ات مز کتیا چیلنجز آئے چونکہ اس سارے پتہ کہ یہ اس نامسعید حالات واریاہن ورین دہن ترن ورین تمن نامسعید حالاتن مز کم کرنے اس واریاہ مشکل واریاہ ٹف تو مگر یپری اس ضرورت مند حاجت مند تہد تعداد دہ کھت دہ بڑان یہ تعداد گو لچھن مز یہ اس بوڑ چیلنج اک مگر ہپ سورسز اس تیتہ اویلیبل کہین سہ تہ مسلہ یپری تم حالات اس تم سازگار کہ اس کرو دہ رات کم یم ساری چیلنج ات مز کرمت کوتاہ ون بہ ونکن کوتاہ ہکو اس کم وقت مز ونت مگر مقصد مے لکھنک تو ونک یہ کہ بیس تائیں وات یہ کت کہ یمو چیلنجو تو سختیو باوجود مقصد یہ امہ باوجود تہ کور اس تحریک پکنو تحریک ون پکان ان شاء اللہ تو امی سیت لج بیین تہ تحریک تم پکن ونکس کشیر مز والنٹری سیکٹر ون بہ یہ چونکہ این جی او یت ونان نان گورمنٹل آرگنائزیشن تم کشیر مز کی یعنی لوکل لیولہ پہ تو یہ ساری یہ ماشاء اللہ واریاہ اصل کام کران مگر تمہن ون بہ سارے والنٹری آرگنائزیشن
آرگنائزیشن یتھ مز بہ یہ پانچ کان تنخواہ نوان پن وقت کڑان پن پٹرول زالان پن پوسے لاگان یہ کم چلان اتھے پہ باقی تران وی نان گورمنٹل آرگنائزیشن تمہن باضابطہ تر مجھے پروفیشنل نفر تر مجھے تم اصل پہ اس پہ گورمنٹ ڈپارٹمنٹ تم وت گورمنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ پار سو چھ الگ سو لوکل لیول پہ ایگزیکٹلی بالکل یعنی انٹرنیشنل لیول تمہن یہاں گورمنٹ ملازمت کھت زیادہ تنخواہ آسان کم تسان تھی سہت کی والنٹری سیکٹرس پہ کم والنٹری آرگنائزیشن کم کر تو ان شاء اللہ تی روز گسان تھی وہ چونکہ مز اس گسان اخ ہن تہ تر مزہ موقع سہ گو اس کن سات پارٹنرشپ ملان پروجیکٹ کچھ کم پروجیکٹ ملان یت زن انٹرنیشنل فنڈنگ گسان یت زن انٹرنیشنل نان گورمنٹل آرگنائزیشن اس سہ پارٹنرشپ اس ایم او یو سائن کر کیس وقت خطرہ پروجیکٹ آسان اس تشن موقع تر مجھ ملان بیس لوکن ہم گان تر مجھے پٹیکولر کان ٹارگیٹ گروپ آرفن آمس پہ یا ایگریکلچرل کھانا کر تھی مے کر تھی کار قصب میس کی پروجیکٹ ہم کمپلیٹ کر تک ٹائم باؤنڈ زن فارن فارن این جی او سی مت ہوش تمہ سو تو بیہ موقع تم ستن بہن تم سن میٹنگ کر نبر گھن ام سان نتن اس کن جائیں مثال ہانجورا صاحب ڈاکٹر صاحب اگر تھی بھی تھوڑا چتس پاؤ رات یہ گیسٹ اکیت اتی تہذی جائے چیری پہ بہت اور سہ اک آرفنیج پہ آم گو یل زن اقدامات وتان تیل پچ بنا صبح انسپریشن تیت بچ ملان نیل کہین ہو سکتا ہے خدا نخواست اگر نی کوشش آئے گمس کہین کہ اخ آرفنیج آئے کریٹ آمت کرنا یا زن ان بچن خطرہ آئے کم کرنا آمت اور ماشاء اللہ تہو ات متعلق زینیاب تک کم تہو کر اس ووت یہ اکس انسانس اندر یہ گوس یہ رجحان بڑھن یہ گوس یہ شوق بڑھن کہ سہ گوس یہ کم کر وہ مجھے ضروری کہ سہ کر انسٹیٹیوشن کریٹ یہ مواد کت پہ کر جوان بیاخ پد کہ مے کر سماج خطر کی یم سے زن رچر پک برو کن یا بہ گس تات انسٹیوشن سے یت ٹرانسپیرنسی اس تم سے تہ پک رچر اصل سوال بالکل ونو تو صحیح یم زن ازک جوان مے وچ وارن سی انٹریکشن گس تم یسان کی کر حقیقت البت اس تات مز کی کوت ہی سو گو یہ کہ فیک معاملات برو یعنی فیک این جی او بنان فیک والنٹری آرگنائزیشن تم کیس وقت روزان پہ غبی گسان تو یہ امیک منفی اثر پیوان سماجس من جوان گسان متنفر سہ دپان یہ ون تو بالکل صحیح جوانس پزی تات آرگنائزیشن سی جڑ گوڑ کر تحقیق پتہ وچ ٹرانسپیرنسی یتن چانسز اصل پہ کم کر اکاؤنٹبلٹی سہ کر سٹڈی کر تھوڑا پتہ اگر تر سی جڑ ویل اینڈ گڈ تیل اصل سہ تہ مز اگر نا تی کر پانے کر بذات خود سے تر تہن کان حرج بلکہ ہک تک وی پز پا قانونی طوالت ات مزے چیز یہ سہل آسان رجسٹر کر پہ قانونی تقاضا پور کر ملکس مزے کم آسو کر جائیں معاملات آسان بالکل پرانے زمانہ اس آرفنیج اخس یہ چلان امس ٹاک صبن کورمت شروع تمہ سات اس تک لاگو گان کہین قانون سہ پنہ پانے بنا قانون پانے تک تھوان رولز بن پان مگر آج چل نز باضابطہ ریگولیشن آج ریگولیٹ کر سی آرفن آج جوینائل جسٹس اینڈ کیئر ایکٹ آج تر تحت گسان تھی ون رات سو حاجرہ سانہ آرفن ایج اچھا سو گجر لڑکی بچار موج اس پہ مے تھمت بیس جائیں کس کام بالکل بوائے اس بیس آرفن ایجس من مگر یہ تیل ممکن یہ اخ مثال مینے ساس بز تثال مے نش اخ لڑکی اس ون نیوکلیئر سائنٹسٹ اللہ تعالیٰ اور اسی آرفن ایج تہذن تہذ کوشش مز وزجار تو بیس زن تہذ پرسنل آرگنائزیشن یا تھی پیٹرن اسلامک ریسرچ اینڈ ریلیف ٹرسٹ یا اسی باقی آرگنائزیشن زن سماجی کام کران سہ ٹرانسپیرنسی آس بالکل عنک پہ آس تہ کام اس برو کن اس پہ تم آرگنائزیشن ہیلپ کر ہنجورا صاحب تہد آج تشریف آوری خطر بخدا اگر فکر طوری گھنٹہ سپدو تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ ادا تو ناظرین تہد تہ سٹھا شکریہ اڑ بجے پہ نون بجن تم پھر دہ سپدان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے پیش ازکس پروگرامس مز دیو مے تو بیس لفٹس بھائیس اشفاق حافظس اجازت السلام علیکم